गरियाबंद जिले के पोस्ट ऑफिस अब बैंक का भी कार्य करेंगे। सरकार की नई योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी ने गरियाबंद के ऑक्शन हॉल में किया। इस बैंक के तहत वर्तमान में गरियाबंद जिले में पांचों ब्लॉकों में वहां के पोस्ट ऑफिस को ग्राहक सेवा केंद्र बनाया गया है, जिसमें बैंक की तरह लगभग सभी काम हो सकेंगे। जल्द ही हर छोटे बड़े गांव में भी इसकी छोटी इकाई एक्सेस के रूप में खोली जाएगी। वहीं इसकी सबसे बड़ी सुविधा डाकिये द्वारा घर पहुंचाकर खाता खोलने और मोबाइल और कार्ड के माध्यम से लेन देन की सुविधाओं को माना जा रहा है। जीरो बैलेंस से खोले जा सकने वाले इन खातों में ना तो कभी मिनिमम बैलेंस पर कोई चार्ज लगाया जाएगा, ना ही कितने भी लेन देन होने पर कोई चार्ज लगाया जाएगा। लोग बैंक के कड़े नियमों से परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने अब ये नया तरह का सरल सुविधायुक्त लोगों के अपने डाकघर को बैंक बना दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बैंक के सभी नियम ग्रामीण जनता की सुविधाओं को देखते हुए उनके हिसाब से बनाए हैं। उन्होंने इस बैंक के नियम के बारे में बताया कि अब आपको खेती किसानी का कार्य रोककर बैंक जाने की जरूरत नहीं है। नाम मात्र के शुल्क पर बैंक आपके दरवाजे पर होगा। अब आप घर बैठे ही अपने पैसे जमा निकाल सकते हैं। अपने डीबीटी और मनरेगा के पैसे की निकासी डाकिया के माध्यम से अपने दरवाजे पर प्राप्त कर सकते हैं। इस बैंक की बीमा योजना के तहत फसल और पशु बीमा योजना मुश्किल समय में किसानों की मदद करेगी। साथ ही लघु ऋण योजना से किसानों की जरूरत पूरी होगी। ट्रैक्टर, खाद, बीज और मजदूरों को देने के लिए पैसे आदि भी एडवांस में इस खाते के लिए जा सकेंगे और महिलाओं को अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। डाकिया घर आकर पैसे निकाल कर देकर जाएगा। बचत निवेश आपको आर्थिक सुरक्षा और आजादी प्रदान करेगा। मांझी ने कहा कि असल में यही बैंक हर छोटे बड़े गांव का बैंक बनेगा। बस इंतजार है कुछ दिनों का, जब ये बैंक या इसके एक्सेस सेंटर हर गांव गांव में होंगे। ये बैंक की आपको कितना, 10 लाख लग सकते हैं, 5 लाख, आप उतना पेमेंट और पूरा सैकड़ों गाँव को जोड़ा गया था एक बैंक से। लोग काफी परेशान थे, आ करके थक जाते थे, छोटे सभी को बैंक से जोड़ दिया गया था जो भी पेमेंट है। और इससे आने वाले समय में हमारा बहुत बड़ा एक सुविधा हो गया, जिससे हमारे लोगों को अपने गांव में ही 2-4 गांव, मतलब आप पोस्ट ऑफिस समझ लीजिए 5-7 गांव के बीच में एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ वो लोगों को परेशानी से बहुत बड़ी मुक्ति मिलेगी। और इसको एक बैंक का स्वरूप दिया गया है, ये फाइनेंस भी करेंगे, चाहे बीमा की राशि भी अब ये वहाँ से वापस दे सकते हैं, वहाँ ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। अनेक तरह की जो बैंक में सुविधा थी वो सुविधाएं उन्हें प्राप्त होगी। और ये जो चक्कर लगाने वाला काम था वो उससे हम पूरे गांव के लोग, ये सरकार की बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ग्रामीण परिवेश के लोगों को उनके जो असुविधा हो रही थी उसको दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने ये कदम उठाए हैं।